अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यू वीडियो। हम लोग आज गए हैं मक्के की ज़ियारत करने के लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं। हम आपको वाला पहाड़ी दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे गार सौर है। ये देखिए, ये वाली पहाड़ी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गार सौर है। यहाँ पे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अनु यहाँ पे छुपे थे और मकड़ी ने बाहर से जाला लगा दिया था। ये वही जगह है। आपको आगे लेकर चलते हैं। हम आपको वाली जगह दिखाने वाले हैं जहाँ इमाम काबा रहते हैं। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये इमाम काबा का बंगला है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं अरफात। आइए चलते हैं अरफात की तरफ। ये देखिए, जो आपको मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद निमरा है। ये अरफात वाली मस्जिद है। ये देखिए, ये अरफात है। जब हज का टाइम होता है तो यहाँ पे सब हाजी होते हैं। ये मैदान पूरा फुल का फुल रहता है। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं जबल रहमत पे। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जबल रहमत पहुंच गए हैं। यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। ये वही जगह है। ये देखिए, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा पाए हैं। नहीं तो फिर आपको अंदर जाके ज़रूर दिखाते। और यहीं पे देखिए छोटी छोटी सी मार्केट भी लगी हैं, दुकानें लगी हैं। ये देखिए, ये तस्बीह वगैरह हैं। ये देखिए देखिए, बहुत ही कलरफुल और अच्छी सी तस्बीह है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वो कपड़े की भी दुकानें हैं और खाने पीने की चीज़ें की दुकानें भी हैं। ये देखिए, और ये देखिए, नींबू पानी है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बन रहा है नींबू पानी। ये देखिए, और अब ये नींबू डाल रही हैं। देखिए, तीनों कप्स में ये आप नींबू डाल रहे हैं। सर, मैं हाफ हाफ लूँगी। देखिए, अब आइस डाल रही हैं ताकि जूस ठंडा रहे। देखिए, और ये देखिए, ये कुछ जूस डाल रही हैं। ये पता नहीं टैंक का है, ये क्या है, हमें नहीं पता है। ये देखिए, अब आपको तो हम टेस्ट करके ही बताएंगे कैसा है। ये देखिए, यम्मियाँ हैं। हमने टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी नींबू पानी लगा। और ये देखिए, अब हम आगे चलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नहर ज़ुबैदा है। जो ज़ुबैदा रज़ी ताला अन्हा है, वो हारून रशीद जो खलीफा वक्त थे, उनकी जौजा थी। फ्रेंड्स, जो आप ये नहर देख रहे हैं, ये नहर बनाने में तकरीबन 10 साल लगा था। ये नहर ख़ास तौर पे हाजियों के लिए बनवाई गई थी। उस वक्त यहाँ पे पानी के लिए बहुत ज़्यादा जो परेशानी थी, ये मलका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। आइए आपको लेकर आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम मुज़दलिफा पहुंच गए हैं। यहाँ से हाजी लोग कंकरियाँ उठाते हैं शैतान को मारने के लिए। और ये जो मस्जिद दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशर अल हराम। ये मुज़दलिफे वाली मस्जिद है।
ऐसे हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। आइए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और भी ज़ियारतें कराते हैं आपको। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगैर सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाइएगा। आई होप हम आपको अच्छे से ज़ियारतें करा पा रहे होंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए आपको आगे दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं मीना की तरफ। अब बस हम मीना पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए हम पहुंच गए। ये देखिए ये मीना है। चलिए आपको मीना जैसे घुमा करके दिखाते हैं। अभी तो हम आए हैं तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा है। ऐसे में तो हज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। ये पूरा हिस्सा भरा रहता है और अच्छा भी खूब लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरती है। और ये पता नहीं क्या है, स्टेशन है, हमें तो वैसे स्टेशन ही लग रहा है। चलिए अब हम आपको शैतान वाली जगह दिखाते हैं। ये देखिए ये है वो जगह जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह। थैंक फॉर वॉचिंग।